पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के 95वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय वंदना युवा परिषद द्वारा हरिओम नगर राम प्रसाद बिस्मिल चौराहे से जिला कारागार गोरखपुर तक बाइक रैली निकाली गई। इसके उपरांत क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का 19 दिसंबर को बलिदान दिवस मनाया जाता है। सोमवार को बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय मंडल समिति के द्वारा मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया, जो हरिओम नगर तिराहे से गोलघर, गणेश चौक, काली मंदिर, असुरन चौक होते हुए गोरखपुर जिला कारागार, जहां पर राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी हुई थी, वहां पर समाप्त हुई। उन्होंने कहा कि काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर सन 1927 को गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। उन्होंने देश की खातिर सब कुछ निछावर कर खुशी खुशी फांसी का फंदा चूम लिया था। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी होने के साथ साथ लेखक, साहित्यकार, इतिहासकार और बहुभाषी अनुवादक थे। वहीं गोरखपुर में बिस्मिल की एक अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 4 महीने 10 दिन गोरखपुर की जेल में बिताए थे। उन्होंने कहा कि देश का हर नौजवान उनसे प्रेरणा लेकर कुछ न कुछ योगदान देश के लिए करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का बलिदान दिवस कल 19 दिसंबर 1927 को है, कल 19 दिसंबर को है। आज उनकी पूर्व संध्या पर, बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर, आज यहाँ राष्ट्र बंधन समिति के द्वारा एक मोटरसाइकिल जुलूस यहाँ से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके जिला जेल में जहाँ पर उनकी फांसी हुई थी वहाँ पर जा रहा है, और उसी कार्यक्रम के निमित्त हम सब यहाँ आए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने, उनको याद करने। जुलूस यहाँ से जा करके वहाँ पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित करके कार्यक्रम समाप्त होगा। क्या कहेंगे इनके बारे में? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए दिया है। उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। वो शाहजहाँपुर के रहने वाले थे, गोरखपुर के जिला जेल में उनकी फांसी हुई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ये काकोरी कांड के नायक थे, जिन्होंने अंग्रेजों की ट्रेन को लूट करके क्रांतिकारियों के बीच में एक अग्नि प्रज्वलित की थी। और मैं यही कहूँगा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इस देश के हीरो थे, और उनसे प्रेरणा लेकर के देश के हर नौजवानों को अपना कुछ न कुछ योगदान देश के लिए करना चाहिए। यही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।